तब आई थिंक सो टीम में हम की ये जो प्लेयर्स हैं वो अग्रेशन दिखाने के लिए देखिए आगे की तरफ जरूर आ सकते हैं, बट यूएमपी इनके हाथ में और मुझे लगता नहीं है कि जोनाथन जो है वो हल्का सा भी ओवर पीक करना जो है फिलहाल देखिए उचित समझेंगे और बहुत ज्यादा करीब अभी के लिए गॉड एक्स हमको जो है देखने को मिल जाएंगे, बट जोनाथन का ये ग्रेनेड कनेक्शन कुछ खास यहाँ पर ढूंढेगा नहीं, गॉड एक्स वापस से इंक्लोजर करना चाहते हैं, क्या ये ग्रेनेड क्लोज रेंज बैटल में सही निशाना? जी हाँ बिल्कुल, एचपी बहुत ज्यादा कम करती, जोनाथन एक प्लेयर को फिलहाल देखिए टेक डाउन करते नजर आएंगे, यूएमपी पे स्विच करेंगे, पीछे से एक अच्छा खासा कवर फायर विटनेस करने को मिलेगा, और बात करें तो यहाँ पर कंप्लीटली फेम दे दो भाई को भी अब जो है कर दिया जाएगा, फिलहाल देखिए टेक डाउन एंड एस्पार की बात करी जाए तो वो भी अपना इनक्लोजर करते नजर आ रहे हैं, बट स्टिल ज़िगोर्ड का कंफर्मेशन शेडो टेक डाउन है, चुनौती इतनी आसान तो नहीं है, बट लेट्स सी गमला बॉय की बात करी जाएगी तो वो भी अपना पीछे से धीमे धीमे करके एनक्लोजर करते नजर आ रहे हैं, और जोनाथन तो दूसरी तरफ ऑलरेडी 1v2 कर चुके हैं, बट लेट्स सी अगर यहां से सर्वाइवल करके बाहर की तरफ निकलना है, अपने आप को एक सेफर साइड लेकर जाना है, इनसाइड द जोन यहां पर जो मूव ऑन करना है, प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए आपको अपने ओपोनेंट्स को वेल पहले जल्द से जल्द फेड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि 365 मीटर रोटेशन करना अक्सर देखिए उतना आसान यहां पर रहता नहीं है, बट 39 प्लेयर और 12 टीमें, देखिए 39 प्लेयर्स एंड 12 टीम्स बिल्कुल ना सर्वाइवल करते नजर आएंगे, बट फियर्स एमजे एंड गमला बॉय बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए फिलहाल देखिए तैयार हैं, बट ये लीजिए इस पार की तरफ देखें तो एमजे कर दिए जाएंगे टेक डाउन, और अब फियर्स भी पिन डाउन है, शेडो पीछे से आपको सपोर्ट दिखाना चाहिए क्योंकि अगर इस पार कंफर्म हो गए, उन्होंने ऑलरेडी अपने देखिए दो प्लेयर्स को यहाँ पर टेक डाउन करके रखा हुआ है, बट जोनाथन जानते हैं कि अकेले ये रिस्क लेना सही रहेगा नहीं, बट बीस्ट का ये ग्रेनेड जोनाथन की एचपी जो है वो 1% पे लाके खड़ी कर देगा, जोनाथन पूरी तरीके से यही ट्राई कर रहे थे कि भाई रिवाइवल दिया जाए, लेकिन एक